फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग नाइफ क्रोशे पैराडाइज। फ्रेंड्स, आज फिर एक बहुत प्यारा सा पैटर्न मैं आपके लिए बनाकर लेकर आई हूँ। देखिए, इसके लिए हमने जो स्टिचेस लेने हैं 3 के मल्टीपल में और 2 एक्स्ट्रा, 3 के मल्टीपल में फंदे लेंगे और 2 हमने एक्स्ट्रा फंदे लेने हैं। और 10 नंबर में नीडल्स यूज कर रही हूँ और ये बेबी ब्रायलन वूल है जो कि 4 प्लाई एक्रिलिक यार्न है, ये यूज कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने 14 स्टिचेस लिए हैं, 14 फंदे लिए हैं। तो देखिए, फर्स्ट रो हमने राइट साइड से स्टार्ट करनी है। फर्स्ट स्टिच को स्लिप करेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे और एक फंदा हमने उल्टा बुनना है। ये फंदा उल्टा बुना, अब धागा पीछे ले जाएंगे और 2 फंदों को हमने बैक लूप से 2 का एक बनाते हुए ऐसे सीधा बुन लेना है ऐसे। तो हमने ये 3 फंदों के 2 फंदे बना लिए। फिर यही रिपीट करेंगे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदों का एक बैक लूप से। तो ये रिपीट करते जाएंगे, पर्ल 1, निट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप, पर्ल 1, निट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। लास्ट में हमारा एक स्टिच रहेगा जिसे हमने सीधे बुन लेना है क्योंकि राइट साइड है ये। तो ये हमने रो 1 कंप्लीट कर ली। अब देखिए रो 2 रॉन्ग साइड, इसे भी ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट स्टिच को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, अब हमने धागा पीछे ले जाना है और ये देखिए, ये जो हमने 2 फंदे बना दिए थे 3 के, दूसरे फंदे के पीछे से हमने इस तरह से लूप निकालना है एक ऐसे, इसे लूज रखेंगे और फिर धागा आगे लेकर आएंगे ऐसे और अगले 2 फंदों को इस तरह से एक साथ सीधा बुन लेंगे ऐसे। तो ये फिर हमने 3 फंदे बना लिए। देखिए, ये जो 2 फंदे हैं इसके पीछे से इस तरह से लूप एक ड्रॉ करेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और इन दोनों फंदों को बैक लूप से एक साथ सीधा बुन लेंगे ऐसे। तो ये रिपीट करते जाएंगे ऐसे लूप, फिर धागा आगे, फिर 2 फंदों को बैक लूप से इस तरह से सीधा, फुल लूप, यार्न ओवर, निट 2 टुगेदर थ्रू बैक, लास्ट का एक फंदा हमारा उल्टा आ जाएगा। तो ये हमने रो 2 कंप्लीट कर ली। अब रो 3 को भी ध्यान से देखिएगा। 3 सिलाई ही जो है पैटर्न की, 4th रो हमारी सिंपल है। तो देखिए, इसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टिच को स्लिप करेंगे। अब ये जो हमारी बार बन रही है, जो हमने सीधा बुना था उस तरफ से, तो ये बार बन रही है देखिए हर बार ये। तो इस बार के नीचे से हमने नीडल इंसर्ट करनी है और फर्स्ट जो हमारा स्टिच है इसे सीधा बुनना है ऐसे, इसके नीचे से इस तरह से निकाल लेंगे इस फंदे को ऐसे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और इन दोनों फंदों को बैक लूप से सीधा बुन देंगे। फिर से देखिए यही करेंगे, नीडल इंसर्ट करेंगे नीचे से और फर्स्ट स्टिच जो है इसे सीधा बुन लेंगे ऐसे, ऐसे निकाल लेंगे फंदे को नीचे से। अब फिर धागा आगे लेकर आएंगे और अगले 2 फंदों को एक साथ बुन देंगे बैक लूप से। तो ये 3-3 फंदे हमारे बनते जा रहे हैं। फिर यही करेंगे, इसे सीधा बुनेंगे और नीचे से इस तरह से फंदा ये निकाल लेंगे और फिर धागा आगे लाएंगे और अगले 2 फंदों को बैक लूप से सीधा बुन लेंगे। तो ये बार बार रिपीट करते जाएंगे। ऐसे, फिर धागा आगे और 2 फंदों को एक साथ बैक लूप से सीधा बुन लेंगे। तो ये करते हुए लास्ट में हमारा एक फंदा रहेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने 3rd रो कंप्लीट कर ली। 4th रो हमने सारे फंदे जो है उल्टे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो 4th रो के सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। फ्रेंड्स, ये रिवर्सिबल पैटर्न है तो आप इसे दोनों तरफ से स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे इसमें राइट साइड या रॉन्ग साइड की रोज का कोई वो नहीं है क्योंकि दोनों तरफ से जो है पैटर्न बहुत अच्छा बनता है और प्योरली रिवर्सिबल पैटर्न है ये, तो आप दोनों साइड्स को जो है वो यूज कर सकते हैं। ये देखिए, बैक साइड से भी बहुत अच्छी डिजाइनिंग ये देखिए होती जाएगी। अब फिर हमने ये 4 रोज के बाद 5th रो जो है रो 1 से स्टार्ट करनी है, यानी कि ये 4 सिलाई ही हमने बार बार रिपीट करनी है।
फिर से थोड़ा सा बताती हूँ। फर्स्ट स्टिच को स्लिप किया, रो वन में जैसे हमने किया था, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे और दो फंदे एक साथ सीधे, तो ये तीन के हमने दो फंदे बनाते हुए जाना है। अगली रो में फिर हम रिकवर कर लेते हैं इनको। तो यही जो फोर रोज है, चार सिलाई है, जब इनको बार बार हम रिपीट करेंगे तो ये इस तरह से हमारा पैटर्न जो है ये बनता जाएगा। देखिए बहुत प्यारा सा पैटर्न है ये, बैक साइड से भी बहुत अच्छा बनता है क्योंकि ये रिवर्सिबल पैटर्न है और बैक साइड से भी बहुत अच्छा बनता है। तो आप इसे रिवर्सिबल किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं और कहीं पे भी इसे ट्राई कर सकते हैं, बेबी ब्लैंकेट्स वगैरह में या समर वेयर्स के किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।